खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं और हमारे R9 टीवी को सब्सक्राइब करें। यूपी के रामपुर में 21 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ था। जगह जगह यहां भी उपद्रवियों ने आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया। रामपुर में हुए इस हिंसक प्रदर्शन में 141 नामजद और हजारों अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नामजद लोगों में आधा दर्जन लोग समाजवादी पार्टी के हैं और आजम खान के बेहद करीबी भी बताए जा रहे हैं। छात्र नेताओं को हमेशा अधिकारी लोग प्रोटेक्शन देते थे और उल्टा उनकी सहायता करते थे, उनकी बातों को मानते थे, क्योंकि विश्वविद्यालय से पढ़ने वाले लोग, विद्यालयों से पढ़ने वाले लोग कभी अन्याय या गलत नहीं कर सकते। वो बलवे में वो लोग बलवा कराएंगे, कानून का जानकार इंसान एक छात्र नेता जो रहा हो और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहा हो, उसको 302 का मुझे मर्डर बना दिया, उसको लुटेरा बना दिया, उसको डकैत बना दिया उसको। ये सिर्फ प्रशासन ने और सरकार ने जो छात्र नेताओं की आवाज को दबाने का काम किया है, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा।